क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो बाद में देख रहे हैं वो भी फटाफट से आंसर का जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ से सब जो प्रश्न है एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, वो ग्रामर पोर्शन से है, और हम लोग जो है ग्रामर पोर्शन के जितने सारे यानी विलोम शब्द हैं सारे को आज कवर करेंगे। बस एक वीडियो को देखना है और विलोम शब्द जो है यहाँ से अंत हो जाएगा। तो चलिए, अब जैसे यहाँ पर आप सारा क्वेश्चन देख पा रहेंगे, इस तरीके से आप लोगों का जो है यानी ये मिल जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग फटाफट से क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। तो एक नंबर हमारा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विलोम शब्द सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विकास का विलोम शब्द होगा, तो विकास का विलोम शब्द क्या होगा आप लोग को फटाफट से जवाब बोलने। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर एक है, मतलब 21 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इससे पहले जो हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि विकास का विलोम शब्द होगा, तो विकास का विलोम शब्द यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ह्रास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकास का ह्रास हो जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दो। चलिए, तो 22 नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर दो कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टार्ट जो कि 21 नंबर है। चलिए फटाफट से आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर क्या है। चलिए 22 नंबर का स्वाधीनता, ओके ओके, यहाँ इधर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। चलिए स्क्रीन पे आ चुकी है, 22 नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, स्वाधीनता का विपरीत होगा। स्वाधीनता का विपरीत शब्द क्या होगा आप लोग जल्दी से जवाब देने हैं, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे एकदम जवाब दे चुके हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वाधीनता का प्राधीनता। तो प्राधीनता कहाँ पर है आप लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, प्राधीनता हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, 23 नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चलिए जवाब दीजिए फटाफट से 23 नंबर क्वेश्चन का क्या बोला जा रहा है, अनायास का विलोम शब्द है, तो अनायास का विलोम शब्द क्या होगा, चलिए फटाफट से सभी बच्चे जवाब देने की कोशिश करिए, अनायास का विलोम शब्द क्या होगा फटाफट से बोलिए। तो 23 नंबर का राइट आंसर अनायास का क्या हो जाएगा, सयास हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का एकदम सही जवाब आ रहा है। अब देखते हैं आगे की ओर, सभी बच्चे फटाफट से जवाब देने की कोशिश करेंगे, ओके क्या बात है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 24 नंबर है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उन्मूलन का विपरीत अर्थक है, चलिए जवाब दीजिए फटाफट से, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे फटाफट से जवाब दीजिए। तो उन्मूलन का विपरीत अर्थक शब्द जो हो जाएगा यहां पर राइट आंसर 24 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सम्मूलन, उन्मूलन का क्या हो जाएगा, सम्मूलन हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब देखेंगे 25 नंबर, सभी बच्चे फटाफट से कोशिश करिए, 25 नंबर यहां पर हमारा नंबर नहीं है बट मैं लिख दे रहा हूं, एक क्वेश्चन क्या 25 नंबर फटाफट से जवाब दीजिए, कायर का विलोम शब्द क्या होगा, चलिए चलिए फटाफट से जवाब देंगे आप लोग, क्या बात है, एकदम सही तरीके से आप लोग का, कायर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कायर मतलब होता है डरपोक, तो साहसी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 25 नंबर का हमारा क्या हो जाता है, तो सी नंबर, ओके बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आगे की ओर, फटाफट से जवाब देने की कोशिश करें, क्या बोला जा रहा है पर, वक्र का विपरीत अर्थक होगा, तो वक्र का विपरीत अर्थक क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए, चलिए तेजी से बोलेंगे सभी बच्चे, क्या बात है, एकदम सभी, देखिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक क्वाइट है, चलिए फटाफट से, वक्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो 26 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी रिजू हो जाएगा, वक्र का क्या हो जाएगा, रिजू, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 27 नंबर के एक, यानी कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, क्या कहता है कि कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये तो गलत बात है, बिल्कुल ये सही क्वाइट है कि अगर आपको कामयाबी नहीं मिले तो आपको बार बार जो है करना चाहिए किसी काम को, जब आप बार बार करेंगे तो जो है कामयाबी जरूर मिलेगी। चले फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे इस क्वाइट को सुन करके, चले क्या बात है, एकदम जोशीला से आज सभी बच्चे को जवाब देने। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द 27 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यानी परोक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, 28 नंबर का उदार का विलोम शब्द, उदार का विलोम शब्द क्या होगा, क्या बात है, सभी बच्चे फटाफट से जवाब देने की कोशिश करिए, चलिए उदार का विलोम शब्द तेजी से बोलिए, चलिए फटाफट से और तेजी से बोलेंगे,
ओके, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, उदार का विलोम शब्द, तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुदार हो जाएगा। ये काफी इजी क्वेश्चन है, अनुदार राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है, देखिए फटाफट से, हर्ष का विलोम है, हर्ष का विलोम क्या होगा, फटाफट से आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए, आपका ऑप्शन सामने है आप लोगों का, ठीक है। चलिए क्या बात है, एकदम फटाफट से जवाब देने हैं, ओके। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, आज आप लोगों का जो है कितना आंसर होना, यानी 100 में 100 आना चाहिए आप लोग सभी बच्चे को, ठीक है। पछतावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना, ठीक है, क्योंकि बिना जो है हम लोग जो है कोशिश किए हुए अगर फेल हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। सो इसीलिए कहता कि पछतावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना, अगर हम अपने आप में कोशिशेंगे, बहुत सारे बच्चे जो है कोशिश नहीं करते हैं और वो बहुत ज़्यादा पछताते हैं, वो फेल हो जाते हैं, तो अगर आप कोशिश करके फेल होंगे तो आपको लगेगा कि मेरे अंदर नॉलेज है, मेरे अंदर जो कुछ भी कर जाएंगे हम कहीं पर भी, ठीक है। तो चलिए हर्ष का राइट आंसर है 29 नंबर का जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी विषाद हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, विषाद। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का एकदम सही आंसर आया है। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 30 नंबर, कुटिल का विपरीत अर्थ होगा, तो कुटिल का विपरीत अर्थ क्या होगा, चले फटाफट से जवाब बोलेंगे, ओके। क्या बात है, एकदम सभी बच्चे का आंसर सही आ रहा है। चलिए, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, तो आज आप लोगों को जो है जीत होना है 100 में 100 क्वेश्चन को सही करके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का सही आ रहा है। सर बीबीपी हेल्प में भी क्वेश्चन डालते हैं हिस्ट्री का, बिल्कुल फटाफट से बोलिए। तो कुटिल का राइट आंसर हमारा 30 नंबर का हो जाएगा, ए नंबर, सज्जन क्या हो जाएगा, सज्जन होगा, बहुत गलत बात है, तो कुटिल मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी नंबर जाएगा, सरल हो जाएगा, कुटिल का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो कुटिल का क्या होगा, अभी तक किसी बच्चे का सही आंसर नहीं आ रहा है, ओके, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर, ओके बहुत बढ़िया। चल अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, फटाफट से बोलिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, मिथ्या का विलोम होगा, मिथ्या का विलोम क्या होगा, आप लोगों को फटाफट से जवाब बोलने। चलिए 31 नंबर का बोलना है, क्या बात है सर, आपका आपको भी आएगा। चलिए क्या बात है, यहाँ पर जवाब दीजिए, मिथ्या झूठ है, सत्य है, उसके असत्य है, उसके अभद्र है, क्या हो जाएगा, मिथ्या का राइट आंसर 31 नंबर का जो हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बी नंबर, सत्य, मिथ्या का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब आगे 33 नंबर को देखेंगे, 33 नंबर फटाफट से जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश करिए तेजी से, चलिए देखते हैं आज का टॉपर कौन हो पा रहा है। चलिए, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, इन सक्सेस जो होते हैं तो वो मेहनत करने वाले पर क्या होती है कि फिदा हो जाती है। सो आप लोगों को जो है मेहनत करना है, और अगर आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस जो आप लोगों पर फिदा हो जाएगी, इसीलिए आप लोग फटाफट से जवाब देना है। यहाँ पर देखेंगे उद्धृत का विपरीतार्थ होगा, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर 32 नंबर का क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर, फटाफट उद्धृत का विनित हो जाएगा, विनित, ओके। क्या बात है, सभी बच्चे का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 33 नंबर है, क्या बोला जा रहा है, गृहस्थ का विपरीतार्थक है, गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, फटाफट से सभी बच्चे जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, जल्दी से, भिखारी है, उसके बाद बटोही है, साधु है, संन्यास है, आज जो है विलोम शब्द का काम तमाम करेंगे, सभी बच्चे को आज बता दें, ओके। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तो गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, चलिए तो 33 का राइट आंसर डी नंबर, सन्यासी हो जाएगा, 33 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, गृहस्थ का सन्यासी, ओके बहुत बढ़िया। चलिए अब देखेंगे यहां पर हमारा क्वेश्चन 34 है, रंक का विलोम, रंक का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से जवाब बोलिए, रंक का विलोम शब्द क्या होगा, बलवान है, उसके बाद राजा है, किसान है, उसके बाद मजदूर है। चलिए तेजी से बोलिए, तो यहां पर 34 का राइट आंसर बी नंबर, रंक का राजा हो जाएगा, रंक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, अर्ध का विपरीतार्थक,
अर्थ का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जितने सारे बच्चे हैं आज जो है सभी क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ना है और सभी जो जवाब सही देना है। मुझे लगता है कि आज का क्लास जो आप लोगों का सबसे फाइन क्लास होगा, एकदम सभी बच्चे का सही आ रहा है जवाब। तो 35 का राइट आंसर सी नंबर अनर्थ, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। अब देखेंगे आगे की ओर, क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर 36 नंबर, क्या बोला जा रहा है? विस्तार का विलोम शब्द, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी चलिए जल्दी जल्दी से बताना है आप लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे फटाफट से बोलिए, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? संक्षेप, विक्षेप या फिर विक्षेप या फिर क्या है? परक्षेप। चलिए बहुत बढ़िया सभी बच्चे फटाफट, 36 नंबर का, 36 का राइट आंसर विस्तार का। चलिए विस्तार का क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। ओके, क्या बात है, संक्षेप। तो यहाँ पर ए नंबर होना चाहिए था, ठीक है, यानी संक्षेप, विस्तार का संक्षेप हो जाएगा। ये उलट पुलट हो चुका है, यानी ए किस जगह सी हो चुका है, तो सॉरी इसके लिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए हमारा क्या बोला, जीवन का विपरीतार्थक है। तो जीवन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? भरण, वर्धन, शरण, परक्षेप क्या हो जाएगा? फटाफट से बोलिए, चलिए तेजी से बोलेंगे आज सभी बच्चे जवाब। एकदम क्या बात है, सभी बच्चे का जवाब जो आके मतलब बहुत तेजी से आ रहा है। तो यहाँ पर जीवन का विपरीतार्थक शब्द जो हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? परक्षेप। ओके, चले बहुत बढ़िया, जीवन का परक्षेप हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन का परक्षेप, डी नंबर। सभी बच्चे बी नंबर नहीं, वर्धन बोल रहे हैं, वर्धन नहीं होगा, राइट आंसर डी नंबर। ओके, क्या बात है, कुछ बच्चे का, एक दो बच्चे का मैं देखा कमेंट में गलत आया, कोई बात नहीं, सभी सही कर लीजिए। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, क्या बोला जा रहा है? प्राचीन का विलोम है, प्राचीन का विलोम क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी से आप लोगों को जवाब देने हैं आज का। चलिए अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है, चले तो सॉरी इसके लिए, कोई जो है स्टूडेंट या फिर कोई भी कॉल कर दिया था जिसके वजह से नेटवर्क इशू हो गया था, बट कोई बात नहीं। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्राचीन का क्या हो जाएगा जल्दी से बोलने आप लोगों को, फटाफट से सभी बच्चे बोलेंगे क्या है प्राचीन का? तो प्राचीन का वर्तमान, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हमारा राइट आंसर, प्राचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, प्राचीन का। ओके, तो प्राचीन का क्या होगा? बहुत बढ़िया, सभी कोई वर्तमान बोले जा रहे, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, अच्छी तरीके से देखिए। तो प्राचीन का अर्वाचीन होना चाहिए, अर्वाचीन बट यहां पर शायद, चलिए इसके बारे में हम लोग, ओके ये कुछ भी नहीं हुआ है, ये नेटवर्क का इशू हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा? पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट से जवाब बोलिए, चलिए तेजी से बोलिए, स्त्री, नारी, महिला या फिर विनित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। तो 39 नंबर का राइट आंसर स्त्री का, यानी पुरुष का स्त्री। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, 40 नंबर देंगे। रात का विलोम शब्द क्या होता है? रात का विलोम शब्द, चलिए सुबह, दिन, सवेरा या फिर दोपहर, क्या होगा? फटाफट से बोलिए। तो 39 नंबर का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा रात का, यानी क्या हो जाएगा? फटाफट से बी नंबर, रात का क्या हो जाएगा? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या है, सुमती का विलोम शब्द, सुमती का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से जवाब दे सभी बच्चे। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है, जो अगर अकेले जो है चलता है उसको जो है किसी की ज़रूरत नहीं है, होती है, जो जिंदगी का जो फैसला जो है वो अकेले चुनता है, ठीक है, उसको किसी से मतलब नहीं रहता है। तो ये काफ़ी जो बेहतर था, जल्दी से जवाब दीजिए। इसीलिए आप लोग भी अपना जो है एक लक्ष्य चुन लीजिए, क्या बात है। तो यहाँ पर 41 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यानी कुमिति हो जाएगा, क्या जाएगा?
कुंती हो जाएगा। ओके बहुत बढ़िया, अब देखेंगे 42 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि आलिंगन का विलोम है, तो आलिंगन का विलोम क्या होगा, फटाफट से जवाब बोलिए, चलिए तेजी से बोलेंगे। तो यहाँ पर 42 नंबर का हमारा राइट आंसर ए नंबर विरह हो जाएगा। देखिए आज में जैसा कि आप लोग को बता दिया कि विलोम शब्द फड़क से जो है आज हम लोग पढ़ लेंगे सारे, ठीक है, क्या बात है। तो आलिंगन का विलोम हो जाएगा, विरह हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अंबर का विलोम शब्द होगा, तो अंबर का विलोम शब्द क्या होगा फटाफट से बोलिए, अवनी, पृथ्वी, धारा या फिर धरती, क्या होगा फटाफट से बोलिए, चलिए फटाफट बताइए। अंबर का, तो अंबर का हमारा राइट आंसर सी नंबर क्या हो जाएगा, अंबर का विलोम शब्द यानी धारा या फिर क्या होगा फटाफट से बोलेंगे, क्या बात है एकदम सभी बच्चे का फटाफट से, अंबर का विलोम शब्द ओके सी नंबर धारा हो जाएगा, अंबर का विलोम शब्द क्या होगा धारा। चलिए बहुत बढ़िया सभी बच्चे का सही आ रहा है, अब देखेंगे आगे। तो 43 नंबर का धारा बताया जा रहा है क्या, धारा, तो 43 का सभी कोई जवाब दे चुके हैं सी नंबर बोला बोल रहा है, ओके बहुत बढ़िया। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे देखिए क्या है कि हास्य का विलोम शब्द होगा, हास्य का विलोम शब्द क्या होगा जल्दी से आप लोगों को बताने फटाफट से बताइए, चलिए डी होगा। देखिए अंबर, अंबर आप लोग समझ रहे हैं, अंबर मतलब आकाश होता है, ठीक है, लेकिन से मेच होना चाहिए उसका, वही जो है वर्ड सही होगा। जैसे हम लोग अगर बोलेंगे कि हंसी का क्या होगा, तो खुशी, तो हंसी का मतलब जो है खुशी होगा, अगर हम लोग बोलेंगे कि हंसी का दुख होगा तो वहां पर हम लोग गलत कर देंगे। सो आप लोग को जो है फटाफट से करना है। चलिए बहुत बढ़िया, तो हास्य का विलोम शब्द जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा श्री नंबर रुदन हो जाएगा, क्या जाएगा रुदन, ठीक है। चलिए हास्य मतलब हंसना होता है, रुदन मतलब रोना। अब यहाँ देखिए इसमें जो इस क्वेश्चन का मैच जो है किसमें होता है, हास्य मतलब रोना, अगर हम लोग हास्य का अगर रोना बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे हाँ क्वेश्चन हमारा क्या है, आस्तिक का विलोम है, तो आस्तिक का विलोम क्या होगा फटाफट से बोलिए, आशावन, नास्तिक, कट्टर या फिर क्या है, चलिए संकोचन। 45 का क्या हो जाएगा, आस्तिक का नास्तिक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, नया का विलोम है, तो नया का विलोम क्या होता है, ये काफी इजी क्वेश्चन है और आप लोग सभी को फटाफट से जवाब देंगे। तो इसमें नया का क्या हो जाएगा पुराना, नया का पुराना, ओके। अब अगर बोलेंगे कि नया का प्राचीन नहीं होगा, नया न्यूनतम का प्राचीन होगा, ठीक है, ओके क्या बात है। अब यहाँ देखेंगे बार का विलोम होगा, तो बार का विलोम क्या होगा फटाफट से बोलिए, आज का क्लास एकदम आज विलोम शब्द का जो है काम तमाम करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सभी बच्चे का आंसर सही आ रहा है, क्या बात है बहुत बढ़िया, चलिए क्या बात है बहुत बढ़िया। तो बार का विलोम शब्द सूखा हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है, अस्त का विलोम शब्द, चलिए फटाफट से, समय, विश्वास और सम्मान, यह ऐसी पक्षी है, समय, विश्वास और यानी सम्मान जो है ये ऐसी पक्षी है जो उड़ जाए तो कभी वापस नहीं आता, इसे आप लोग समय, विश्वास और सम्मान तीनों को बचाए रखना, ठीक है, तीनों को जो है तीनों को बहुत ज्यादा महत्व देना, यानी समय, विश्वास और सम्मान ऐसी पक्षी है जो उड़ जाए तो वापस नहीं होगा। सो इसीलिए समय रहते हुए आप लोग ध्यान से पढ़ना है, उदय का अस्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखेंगे आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए फटाफट से देखिए क्या बोला जा रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है 49 नंबर, 49 नंबर का क्या होगा फटाफट से बोलेंगे, चलिए ओके। तो यहाँ पर है अस्थूल का विलोम शब्द क्या होगा, अस्थूल का विलोम शब्द क्या होगा फटाफट से जवाब देने हैं, सही सही जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे, क्या बात है आज का आंसर आप लोग का एकदम राइट हो रहा है, एक बार भी आप लोग जो है कुछ कुछ बच्चे एक दो प्रश्न जो गलत दिए हैं बट कोई बात नहीं, चलिए क्या बात है ओके। तो यहाँ पर 49 नंबर का राइट आंसर क्या होगा ओके, तो सी नंबर हो जाएगा, 49 का सी नंबर हो जाएगा यानी सूक्ष्म हो जाएगा, क्या जाएगा सी नंबर सूक्ष्म हो जाएगा, ठीक है, अस्थूल का सूक्ष्म। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे हमारा 50 नंबर क्या बोल रहा है,
खारा का विलोम है, तो खारा का विलोम शब्द क्या होगा? चीनी, मधुर, मीठा या फिर मिष्ठान, क्या हो जाएगा? फटाफट से बोलिए। चलिए, खारा का विलोम शब्द जल्दी से बताने आप लोगों को। तो यहाँ पर खारा का खोटा भी होगा, बट अगर ऑप्शन मीठा रहेगा तो मीठा दे देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर है हमारा, जन्म का विलोम है, तो जन्म का विलोम शब्द क्या होगा? मृत्यु, मौत, मरण या फिर विदा। चलिए तेजी से बताइए। हाँ बिल्कुल, सभी बच्चे का आंसर सही आ रहा है, क्या बात है, आज तो मज़ा ही आ रहा है सभी बच्चे को और मुझे भी आ रहा है। एक इसके साथ जो एक क्वाइट में सुना, जिंदगी एक आईना है, ठीक है, ये तुम्हारी, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे, तो हम लोगों को एकदम मुस्कुरा करके रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जन्म का क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, क्या बात है। सर जन्म का मरण हो जाएगा, जन्म का यहाँ पर क्या हो जाएगा? मरण हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों जो है सेम वर्ड है, लेकिन आप लोगों को जो सही है उसको जवाब देने हैं। तो जन्म का मरण या फिर मृत्यु, ये दोनों जो है बोल सकते हैं, चल जाएगा, ठीक है, ए नंबर भी इसका राइट आंसर होगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए फटाफट से जवाब दीजिए, 52 नंबर का जवाब देने, ओके, बहुत बढ़िया। कृत्रिम का विलोम है, तो कृत्रिम का विलोम क्या होगा? असली या फिर स्वाभाविक या फिर निर्मित या फिर प्राकृतिक। चलिए तेजी से जवाब बोलिए, क्या बात है, एकदम फटाफट से जवाब बोलिए। यानी कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से बोलिए। चलिए तो 52 का राइट आंसर जो हमारा हो जाता है तो प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृतिक, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे एकदम सही जवाब दे चुके हैं। अब यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, आयोजन का विपरीतार्थक है, तो आयोजन का विपरीतार्थक क्या होगा, फटाफट से, चलिए तेजी से बोलिए। देखिए हाँ ओके, क्या बात है, समय की महत्व को समझिए, कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, हाँ बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पर आयोजन का विपरीतार्थक शब्द जो होगा नियोजन या फिर वियोजन, विघटन, योजना, तो यहाँ पर हमारा 53 नंबर का श्री नंबर वियोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वियोजन, बहुत बढ़िया। चलिए आयोजन का वियोजन, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं कि ए होगा, कोई डी होगा, ठीक है, तो डी नहीं होगा, आयोजन का वियोजन होता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, सच का विलोम शब्द क्या होगा? सच का विलोम शब्द, ये काफी इजीली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आप लोगों को पढ़ना जो है बहुत इजी लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जा रहा है, अल्पसंख्यक का विपरीतार्थक है, तो अल्पसंख्यक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, फटाफट से बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग को ये 100% जो है याद रखना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से सभी बच्चे बोलिए, क्या बात है, एकदम सभी बच्चे आज तेजी से जवाब बोल रहे हैं, क्या बात है, एकदम फटाफट से जवाब दे रहे हैं, देखिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा 55 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा? बी नंबर, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक क्या क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक। चलिए अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या, बहुसंख्यक मतलब बहुत ज़्यादा। अब यहाँ देखिए अगाम का विलोम शब्द क्या होगा, अगाम का, सॉरी आगाम नहीं है, अगम है, अगम। अब देखिए सच्ची मोहब्बत कीजिए, किताबों से आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है। तो आप लोग जो है बिल्कुल आज बेहतरीन तरीके से क्लास करते जाइए, आज जो कब शानदार और मज़ेदार क्लास हो रही है। चलिए तो यहाँ पर अगम का विलोम शब्द जो होगा, यानी 56 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, क्या हो जाएगा? डी नंबर, सुगम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुगम, बहुत बढ़िया, अगम का सुगम। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट से क्वेश्चन को देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए, सभी बच्चे तेजी से जवाब देंगे। चलिए हाँ 57 का, 56 का सभी बी बोल रहे हैं, ओके, 56 नंबर का हम लोगों ने डी नंबर। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, समूह का विपरीतार्थक है, तो समूह का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, फटाफट से जवाब बोलने हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का, 57 का जवाब बोलने आप लोगों को, विमुख है, अधिमुख, प्रमुख या फिर उमुख, क्या हो जाएगा, तेजी से बोलिए। चलिए तो 57 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी विमुख, समूह का क्या हो जाएगा, विमुख, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, ए नंबर। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, मौखिक का विलोम शब्द है, मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से सभी बच्चे जवाब दीजिए इसका, क्या होगा?
58 का राइट आंसर मौखिक का लिखित हो जाएगा, मौखिक का क्या हो जाएगा, लिखित। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा पीछे पड़ रहे हैं, तो आप लोग जवाब तेजी से दिया कीजिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्या बोला जा रहा है, आरंभ का विलोम होगा। तो आरंभ का विलोम क्या होगा, फटाफट से आरंभ का जल्दी से बोलिए। चार ऑप्शन आप लोग को दिखा दूं ताकि आप लोग जो कंफ्यूजन ना होगे, देख लीजिए देख लीजिए। तो आरंभ का विलोम शब्द अंत हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। 50 यहां पर 50 नंबर नहीं होना चाहिए, यहां पर जो 59 नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आरंभ का अंत हो जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है, ठीक है, IA में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट था वो क्वेश्चन। वैसे आप लोग को मुझे लगता है उम्मीद है कि याद है आप लोग को। अधम का विलोम शब्द क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए फटाफट से जवाब दीजिए। चलिए, क्या बात है, एकदम सभी बच्चे का फटाफट से आंसर आ रहा है। चलिए तेजी से देखेंगे हम लोग। तो अधम का विलोम शब्द जो हो जाएगा, यानी 60 नंबर का आंसर। चलिए, ये भी क्वेश्चन IA में पूछा गया है, ठीक है। तो सी नंबर अधम का उत्तम हो जाएगा, 57 का ए राइट, 58 का चलिए बहुत बढ़िया, अधम का उत्तम, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सभी बच्चे का आज जो है क्लास शानदार जा रहा है, ओके। यहाँ देखेंगे आई का विपरीतार्थक है, तो आई का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, शुष्क या फिर क्या है, नीला, कड़ा या फिर गाढ़ा, क्या होगा, फटाफट से जवाब देने आप लोगों को तेजी से। आई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आंध्र होना चाहिए, ओके। सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आंध्र होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख दे रहा हूँ आंध्र। आंध्र का विलोम शब्द क्या, सॉरी आंध्र इस तरह नहीं होता है, ओके। चलिए, तो आप लोग को जवाब देने, ओके, बहुत बढ़िया। तो आंध्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो आंध्र का विलोम जो होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे जो इसमें कंफ्यूजन, शुष्क हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 62 नंबर, तलवार शब्द का विलोम शब्द है, तलवार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए तेजी से सभी बच्चे जवाब दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल। चलिए, तो तलवार का विलोम शब्द जो होगा 62 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर सायक हो जाएगा, ओके, सायक। चलिए, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। चलिए, अनुराग का विलोम, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, और ये सच बात है, बिल्कुल सच बात है, कि अगर आप जब तक अपने आप में हार नहीं मानेंगे तब तक जो है आप जो है बहुत आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपको हौसला रखना है, हौसले में आपको जो है सारा चीज़ जो है मिलेगा, ठीक है। तो आपको कभी भी हार नहीं मानना है, ठीक है। चलिए, तो राग का, अनुराग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों का जवाब बिल्कुल आ चुका, सही जवाब बी नंबर विराग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुराग का विराग, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 63 नंबर, क्या बता रहा है, अथ का विपरीतार्थक, अथ का विपरीतार्थक क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को जवाब देने हैं। अथ का क्या हो जाएगा, तो अथ का, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग जो है बने रहेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारा 64 का राइट आंसर इति हो जाएगा, अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 64 नंबर, कृष्ण का विलोम, आज जो है हम लोग ग्रामर को आज पी लेंगे अच्छी तरीके से। कृष्ण का विलोम शब्द काला, सफ़ेद, शुक्ल या फिर उजला, तो कृष्ण का क्या हो जाएगा, तेजी से बोलने 64 नंबर का, डायरेक्टली शुक्ल हो जाएगा, कृष्ण का राइट आंसर यानी शुक्ल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 65 नंबर, क्या कि अस्थावर का विलोम है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी से जवाब देना, स्थिर, जंगम, सरल या फिर उजला, फटाफट से जो जवाब देने इनका, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है जो 64 नंबर, सॉरी 65 का, तो 65 का राइट आंसर तेजी से बोलिए। चलिए, ओके, बहुत बढ़िया, जल्दी से जवाब देने, 65 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जंगम, ओके। चलिए जल्दी से बोलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर स्क्रीन में आ चुके हैं, नर का विपरीतार्थक, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलिए, ओके।
तो राइट आंसर यहाँ पर 67 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर, नारी। ओके बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का एकदम सही आया है। अब यहाँ देखिए स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को जवाब देने, स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए आप लोगों को जो है उस दिन बताया गया था कि निंदा होगा, ठीक है, स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा फटाफट से। तो 68 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाता है तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निंदा, स्तुति का क्या हो जाएगा, निंदा। बहुत बढ़िया, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है 69 नंबर, संध्या का विलोम शब्द क्या होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, संध्या का विलोम शब्द क्या होगा फटाफट से, संध्या का प्रातः क्या होगा फटाफट से बोलिए। तो संध्या का जो राइट आंसर बी नंबर प्रातः हो जाएगा, संध्या का क्या हो जाएगा प्रातः। ओके बहुत बढ़िया, अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है, क्या बोला जा रहा है, ध्वस्त का विलोम होगा, तो ध्वस्त का विलोम शब्द क्या होता है फटाफट से बोलेंगे, क्या बात है, पर्लय, वृति, नवीन या फिर। ओके बहुत बढ़िया, सभी बच्चे तेजी से बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का, चलिए चलिए, ओके ओके क्या बात है। तो 70 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है तो डी नंबर, ध्वस्त का निर्माण, ध्वस्त का क्या होगा निर्माण हो जाएगा, चलिए क्या बात है, आंसर इसी तरीके से आना भी चाहिए आप लोगों का। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, निर्माण का विलोम शब्द है, तो निर्माण का विलोम शब्द क्या होगा, आप लोगों को जल्दी जल्दी से जवाब देने हैं, चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। तो यहाँ पर निर्माण का जो विलोम शब्द हो जाएगा 71 का, आप लोगों को जवाब बोलने हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो निर्माण का क्या हो जाएगा फटाफट से बोलिए, तो यहाँ पर निर्माण का जो एक भी क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो अलग क्वेश्चन था, ठीक है, तो निर्माण आ चुका कोई बात नहीं। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 है, जंगम का विलोम है, तो जंगम का विलोम शब्द क्या होता है आप लोग को तेजी से बताना है, कौन देखते हैं आज का टॉपर हो पा रहा है, जो बच्चे आज का टॉपर है वो काफ़ी जो है शानदार तरीके से जो है आज जवाब दे रहे हैं, देखना पड़ेगा कि आज कौन टॉपर हो पा रहा है। और आप लोग ईमानदारी से बताएंगे कि मेरा कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है, आप लोग को ईमानदारी दिखाने हैं आज का क्लास में, ठीक है। तो जंगम का विलोम शब्द आप लोगों का क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ चुका है अस्थावर, राइट आंसर 72 नंबर का क्या होगा, ए नंबर, अस्थावर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 73, चलिए जवाब दीजिए तेजी से, चलिए देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इसका जवाब दे पा रहा है। तो हाँ ओके, यहाँ पर क्या औनत का विपरीतार्थक, औनत का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, उन्नत या फिर उत्थान या फिर बढ़ना या फिर उत्कर्ष, फटाफट से बोलिए क्या जवाब है आप लोगों का, क्या बात है एकदम। औनत का विपरीतार्थक क्या उन्नत है, उसका उत्थान है, उसका बढ़ना है, उत्कर्ष है, जल्दी से जवाब बोलने। तो यहाँ पर जो हमारा 73 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, औनत का उन्नत हो जाएगा, क्या हो जाएगा औनत का उन्नत, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 74 नंबर, क्या बोला जा रहा है, प्रधान का विलोम है, तो प्रधान का विलोम शब्द क्या होता है, लघु, तुच्छ, छीन या फिर गौण, क्या हो जाएगा फटाफट से बोलने। चले बहुत बढ़िया, क्या बात है एकदम सही तरीके से आप लोगों का जवाब जो है आ रहा है। तो प्रधान का यहाँ पर 74 नंबर का हमारा राइट आंसर जो जाएगा डी नंबर, गौण हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रधान का गौण हो जाएगा, ठीक है। चलिए 74 का सभी बी बोल रहे हैं, क्या यानी प्रधान का तुच्छ नहीं होगा, 74 का डी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है, क्या बोल रहा है, अनुग्रह का विपरीतार्थक है, तो अनुग्रह का विपरीतार्थक क्या होता है, विग्रह या फिर अभिन्न या फिर दुराग्रह या फिर अग्रहित, क्या हो जाएगा फटाफट से आप लोगों को जवाब बोलने हैं इसका 75 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा, ठीक है, अनुग्रह का विग्रह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन हमारा क्या है 76 नंबर में बोला जा रहा है, कह रहा है कि व्यापगत का विलोम शब्द है, व्यापगत का विलोम शब्द क्या होगा, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ ओके क्या बात है, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है, चलिए जल्दी जल्दी से जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल, चलिए क्या बात है, ये राइट आंसर जो हो जाएगा व्यक्तिगत का राइट आंसर यानी 76 का बी नंबर, सार्वजनिक व्यक्तिगत का सार्वजनिक हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, तेजी से बताएंगे आंसर, तेजी से बताइए। ओके
अनुराग का विपरीतार्थक विराग हो जाएगा। डायरेक्टली 70 का आंसर हम लोग ने दोबारा रिपीट हो चुका है, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, पूर्णिमा का विलोम शब्द है। पूर्णिमा का विलोम शब्द क्या होता है जल्दी से बताएंगे। हाँ, लक का तो पता नहीं, एक यहाँ पर क्वाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वाइट है, ये अच्छा है। लक का तो पता नहीं लेकिन अवसर जरूर मिलता है, लक का जो बिल्कुल किसी का पता नहीं है कि लक लगेगा या फिर नहीं लगेगा, लेकिन अवसर सबको मिलता है, ठीक है। अवसर जो है जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को, ठीक है। लक का तो पता बिल्कुल भी नहीं है लेकिन अवसर जो है जरूर मिलता है मेहनत करने वाले, अगर मेहनत करते हैं तो जरूर उसको अवसर मिलते हैं और जो है वो क्या होते हैं के कामयाब होते हैं। तो आप लोग को लक का जो भरोसे में नहीं रहने, मेहनत करते जाने हैं, ठीक है। चलिए अब पूर्णिमा का राइट आंसर जो जाएगा 78 नंबर का, चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर अमावस्या हो जाएगा। अमावस्या, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ओके, अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, शीघ्रता का विपरीतार्थक है। तो शीघ्रता का विपरीतार्थक क्या होगा, अविलंब होगा, आलस्य हो गया, अभिलंब हो गया या फिर विलंब हो जाएगा। जल्दी से बताने हैं आप लोगों को शीघ्रता का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा 79 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, शीघ्रता का विलंब, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, विनाश का विलोम होगा। तो विनाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, सृजन या फिर क्या है, कृत्य, कृपा, विस्तार। जल्दी से जवाब देने, विनाश का जो राइट आंसर हमारा 80 नंबर का ए नंबर, सृजन हो जाएगा। विनाश का क्या हो जाएगा, सृजन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 81 नंबर है, क्या कह रहा है जल्दी से जवाब देंगे, चलिए फटाफट से। सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होगा, ये थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ है, बट कोई बात नहीं। चलिए फटाफट से, तो यहाँ पर 81 नंबर का राइट आंसर जो है बी नंबर, कलह हो जाएगा, सामंजस्य का कलह। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या, करुण का विलोम शब्द क्या होगा, करुण का विलोम शब्द क्या होता है, चलिए फटाफट से बोलिए, तेजी से जवाब देने की कोशिश करिए, आगे बढ़िए सभी बच्चे फटाफट जवाब दे करके। चलिए तो यहाँ पर करुण का विलोम शब्द, अब आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, तो राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बोलिए आप लोग। चलिए तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जो जाएगा, करुण का विलोम शब्द निष्ठुर हो जाएगा, क्या होगा, निष्ठुर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, कि आलसी का विलोम विपरीतार्थक, आलसी का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा फटाफट से बोलिए, आलसी का विपरीतार्थक क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 83 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर, उद्यमी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं जो स्पीड में कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, परोक्ष का विलोम, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है। तो 84 का राइट आंसर जो है ए नंबर, उपरोक्ष हो जाएगा, परोक्ष उपरोक्ष हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 85 नंबर, मौन का विपरीतार्थक है। तो मौन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं तेजी से। ओके, तो 85 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी कि हो जाएगा मुखड़, मुखड़ हो जाएगा। मौन का विपरीतार्थक शब्द जो होगा मुखड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, उच्च का विलोम शब्द क्या होगा, उच्च का विलोम शब्द फटाफट से बोलिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, उच्च का क्या होगा, यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। तो उच्च का विलोम शब्द जो हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग तो ऑप्शन देख चुके हैं, तो ए नंबर, निम्न हो जाएगा। उच्च का क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्या बता रहा है, कृतज्ञ का विपरीतार्थक, कृतज्ञ का विपरीतार्थक क्या होता है, आप लोग को जल्दी से जवाब देने। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए कृतज्ञ का विपरीतार्थक है क्या होगा, 87 नंबर का राइट आंसर यहां पर हमारा जो हो जाएगा डी नंबर, कृतज्ञ हो जाएगा, यानी कृतज्ञ का विपरीतार्थक शब्द कृतज्ञ। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 88 हमारा क्या बोला जा रहा है, देखिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश करिए। ओके, आय का विलोम शब्द व्यय हो जाएगा, कहाँ है व्यय, सी नंबर, आय का व्यय हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 89 नंबर, समय का विपरीतार्थक है, तो समय का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा फटाफट तेजी से जवाब बोलेंगे। ओके, चलिए
सौम्य का विलोम शब्द 89 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाता है तो डी नंबर उग्र हो जाएगा, सौम्य का उग्र हो जाएगा। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्या बोला जा रहा है। देखिए आज तो हम लोग विलोम शब्द का जो है सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि आज के बाद विलोम शब्द जो है हम लोगों को जो भी पूछा जाएगा फटफट से जवाब देंगे। ओके, तो वेयर का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी से जवाब देने हैं। वेयर का विलोम शब्द राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेयर का प्रति हो जाएगा, सॉरी प्रीति हो जाएगा, वेयर का प्रीति हो जाएगा। क्या बात है, एकदम सभी बच्चे का फटाफट से आंसर आ रहा है। अब देखिए आशा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, आशा का विपरीतार्थक शब्द को बताने हैं फटाफट से। ओके चलिए, आशा का विपरीतार्थक शब्द जो हो जाएगा निराशा, निराशा हो जाएगा, आशा का निराशा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो आज हम लोगों ने 91 क्वेश्चन को कवर किया है जिसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विलोम शब्द था। चलिए अब आप लोग इनमें से सभी बच्चे बताइए कि कितना आंसर आप लोगों का सही हुआ है। ठीक है, खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, बहुत सारे बच्चे जो है खामोशी का मतलब खामोश रहते हैं, जवाब जो है देते हैं बट उन लोग जो है जो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ज़्यादा जो है बात जो नहीं करते हैं, क्योंकि खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं खामोशी का मतलब जो है कमजोरी समझ लेते हैं बट कमजोर नहीं होता है। चलिए आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए कि कितना आंसर आप लोगों का सही हुआ है, चलिए जल्दी से जवाब बोलेंगे। ओके क्या बात है, एकदम 91 का तो हो चुका है क्योंकि आज हम लोग 91 ही क्वेश्चन को कवर किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट थे। चलिए विशाल सिंह राजपूत, संध्या साधव शायद अभी आया, उसका कमेंट में अभी देख रहा हूँ, और मदन सर ओके, एंड विनय कुमार, चंदन कुमार सॉरी सर हम तो लेट हो गए, कोई बात नहीं लेट हो गए जो आप बाद में देख सकते हैं, मनीष कुमार, अविनाश शर्मा, प्रदीप, चलिए शैलेंद्र यादव, धर्मेंद्र अधिबारे, फकीर टोली सर, चलिए हाँ हमारा गांव का नाम फकीर टोली है। ओके चलिए, और चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अब जो है क्लास ऐप पर भी होगी, ठीक है, क्योंकि आज मैं आया था लाइव क्लास ऐप पर जिसमें से सारे बच्चे जो जुड़े थे, ठीक है, बहुत गलती हो गया, कोई बात नहीं सूर्या मंजूर, ओके लेट हो गया सर, आप लोगों को जैसे कि पता है कि 7:30 बजे मैं लाइव क्लास आता हूँ, कल नहीं आया था क्योंकि मैं कल जो है कहीं और गया था जिसमें को बहुत ज़्यादा थक गया था, उसके बाद जो है आकर के इस समय में सो गया था, उसके बाद तो आज हम लोग वैसे हम लोग सप्ताह के 7 दिन हम लोग जो है 7:30 बजे यूट्यूब पर लाइव क्लास करेंगे, और आप लोग क्लास प्लीज़ रिप्लाई सर फिर होगा, और जो है आप लोग टारगेट बैच पे होगी। ठीक है सर मैंने लेट आया, कोई बात नहीं आप लोग को जो टाइम देख करके आना, क्योंकि आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, हम लेट आए थे क्लास, अब आप लोगों ने बताना है कि कितना आंसर किसका सही हुआ है, तो कोई बात नहीं आज जो बहुत सारे बच्चे का 90 का 80 ओके सर 50 क्वेश्चन का जवाब दिया है, चलिए बहुत बढ़िया। आज का क्लास बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, चलिए आनंद राज ओके ओके बहुत बढ़िया, चलिए अखिलेश सर इंग्लिश का चलिए PDF दीजिए, BBP हेल्प टाइप करना है आप लोगों को, ठीक है लेट, चलिए यूनाइटेड पब्लिक स्कूल जनता, अरे अदीबा इलाही इतना सारा चीज़ जो है आप लोग आपने कैसे पता कर लिया मेरे बारे में, और आपने पूछा था कि एक क्या नाम था वजाहत वास्तवी, तो वजाहत वास्तवी देखिए मैं जो टेलीग्राम पे बिल्कुल अपडेट नहीं रहता हूँ, टेलीग्राम में अपडेट तब होता हूँ जब मुझे जो है क्लास का लिंक भेजने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम हैंडल कोई और करता है मेरा, ठीक है, कभी कभी मैं टेलीग्राम में देखता हूँ तो जवाब दे देता हूँ, ठीक है। तो आज जो है मैं वजाहत वास्तवी के बारे में आपने पूछा हुआ है, और उन्होंने मुझे बताया कि सर आपके बारे में बोला है कि वजाहत वास्तवी कैसे जो है आप पता गए, तो वजाहत वास्तवी और मैं जो है बहुत बार जो है कॉन्फ्रेंस में बात किया हूँ और वीडियो कॉलिंग, और मैंने और उन्होंने मिलकर बहुत पहले जो है सिंगिंग कर रहा था, वजाहत वास्तवी बहुत पहले सिंगिंग किया करता था, मैं सिंगिंग छोड़ दिया बट वो जो है सिंगिंग अभी भी करता है, और वो अभी जो है बहुत सारे अपना जो स्टूडियो तैयार किया है, और वो उड़ीसा का है ये मुझे पता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है मैं टेलीग्राम में आप इसलिए नहीं बताया क्योंकि टेलीग्राम में जो है टाइम वेस्ट होता है, उसमें जो है मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली जो है कुछ भी सवाल पूछते हैं मुझे जो बताते हैं कि सर ये सवाल आप लोगों को आपको पूछा गया है, तो कभी कभी होता है कि मैं जवाब दे देता हूँ बट कभी कभी जो है क्या होता है कि मैं जवाब नहीं देता हूँ, डायरेक्टली वीडियो में देता हूँ, ठीक है, तो आप सॉरी लाइव में देता हूँ तो आप लोगों को पता है, ठीक है। चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, आपका भरोसा करते हैं एग्ज़ाम 2022 में,
हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से भरोसा कीजिए। अरे इलाही तुम सब जानती हो, हाँ शायद जान चुकी है, पता नहीं कैसे जानी है, वो तो मुझे पता नहीं है कि वो सारा चीज़ जो है, जैसे मैं यूनाइटेड पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरा घर जो है पूर्णिया जिला के एक गांव है जिसका नाम फकीर टोली है, और वो भी जान चुकी है पता नहीं। और उसके बाद फिर से वो वजाहत वास्तविक के बारे में एक बार मैं जो लाइव आकर के बताया था कि वजाहत वास्तविक कौन है, उनके बारे में भी वो पता कर चुके, पता नहीं ये सारा चीज़ पता कैसे कर लेती हैं। खैर कोई बात नहीं, पता कर ही रहें तो अच्छी बात है, और होगा तो कभी हम लोग मीटअप रखेंगे, मुलाकात करेंगे सबसे, सब बच्चे से, जहाँ जो है सबका जो है एग्ज़ाम टाइम में तो जो बच्चे अच्छा जो है BBP हेल्प ऐप पर पढ़कर आएगा तो उनको मैं जो है गिफ्ट भेजूंगा, और वो गिफ्ट जो है बहुत शानदार रहेगा। और हाँ BBP हेल्प में BVI क्वेश्चन डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, ठीक है। लव यू सर, लव यू टू अंत कुमार, चलिए और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके इकोनॉमिक्स का क्लास होगा बहुत जल्दी, बट देखिए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नहीं है जिसके वजह से हम लोग जो लाइव क्लास नहीं आ पाते हैं, बट हाँ हम लोग अब करेंगे क्लास, ठीक है। ओके हम तो सोचे कि तुम चलिए, इतना सारा जो कमेंट है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, चलिए लव यू ट्यूब भासु कुमार, चलिए साइकोलॉजी का, ओके साइकोलॉजी का भी क्लास बहुत जल्दी ही। और जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट चैनल है दूसरा, वो टारगेट बैच, उस पर तो सारा क्लास जो है होती है, ठीक है, उसमें सारा क्लास अपडेट अपलोड होती है, क्योंकि YouTube ने एक पॉलिसी मतलब जनरेट किया है कि आप लोगों का जो यानी 3 नोटिफिकेशन दिन में भेजा जाएगा। ओके चलिए चलिए, वैसे आज की क्लास बहुत शानदार रहा, और हम लोग एक जो क्वाइट पढ़ लेते हैं, मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि मैं अभी आप लोगों जो एक क्वाइट जो काफ़ी शानदार क्वाइट मुझे इतना जो है वो जो है मतलब अट्रैक्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लगा उस क्वाइट को पढ़ने में, और ये क्वाइट आप लोग को सुनना चाहिए, इसका जो है आप लोग को जो है मतलब भरोसा करना चाहिए, ठीक है। अब क्या था वो क्वाइट मैं आप फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि चलिए यहाँ पर क्या है, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है कि नहीं, ये बिल्कुल सच है और रियल है, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये तो गलत बात है, बिल्कुल ये गलत बात है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा ये क्वाइट है, और ये इनको जो लिखा है ये APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो उनका जो एक क्वाइट जो है बहुत ज़्यादा मुझे जो अट्रैक्ट करता है, शानदार है, ठीक है। चलिए और एक क्वाइट जो होता है और बहुत शानदार है जो मुझे मज़ा आता है, समय विश्वास और सम्मान, ये ऐसी पक्षी है, ठीक है, समय विश्वास और सम्मान ये ऐसी पक्षी है जो एक बार अगर उड़ जाए, ठीक है। तो सभी बच्चे को मैं इसलिए जो बता रहा हूँ क्योंकि सभी बच्चे जो है अच्छे तरीके से क्लास करना है, बिल्कुल शानदार तरीके से, क्योंकि देखिए समय एक होता है, उसके बाद विश्वास और सम्मान, अगर समय ख़त्म हो गया तो दोबारा नहीं आता है, सम्मान चले गया तो दोबारा नहीं आने वाला है क्योंकि अपमानित ही होंगे आप, उसके बाद अगर आपका जो है समय विश्वास और विश्वास भी खो गया तो वापस नहीं आने वाला, इसलिए समय सम्मान विश्वास जो है ऐसा पक्षी है जो अगर उड़ जाए तो कभी भी वापस नहीं आता। क्या बात है क्या बात है, आज की क्लास बिल्कुल सही बात है, हाँ हाँ आज की क्लास शानदार रहा, मुझे भी मज़ा आया आज की क्लास जो है लेने में, और हम लोग क्लास लेंगे अच्छी तरीके से लेंगे, हाँ बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास हम लोगों ने इतना ही तक रखा है, और जो बच्चे अगर पता नहीं है कि क्लास जो है यानी कब कब होती है, जैसे 9 बजे से हम लोगों का रात में 9 बजे से होगी अभी, ठीक है, टारगेट बैच में अभी जो है क्लास होगी जो अपलोडेड होगी, उसके बाद आप लोगों को जो है 7:30 बजे का टाइम याद रखना है, ठीक है, 7:30 बजे का टाइम याद रखना है, मैं लाइव क्लास लेकर आता हूँ, ओके कल का टाइम 7:30 बजे, ओके बहुत बढ़िया। चलिए समय विश्वास और सम्मान बचा के रखना, नहीं तो उड़ जाएगा तो फिर वापस आने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चले फिर मिलते हैं, फिर कल हम लोग बात करेंगे आप लोगों से, उसके बाद क्लास का जवाब आप लोग तो देते ही हैं और नंबर भी अच्छा लाते हैं, चलिए अच्छी बात है। आज क्लास इतना ही तक, मिलते हैं फिर आगे क्लास में।